आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पार्ट 6 के बारे में। इस कंटेंट में पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये नीट के लिए ये भी कंटेंट इम्पोर्टेंट है भाइयों। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। देखिए कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसका आंसर आप पहले जानेंगे कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं। दोस्तों, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। एक्सटिंक्ट यानी कि ई से डिनोट किया जाता है स्पीशीज एक्सटिंक्शन, और इसका मतलब आखिरी क्या होता है कि द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड आउट। किसी भी स्पीशीज का लास्ट इंडिविजुअल ये डाइड आउट हुआ है और दैट इंडिविजुअल कैन नॉट बी सीन एनी मोर वर्ल्ड वाइड। एंड लॉस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज फ्रॉम पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन। किसी भी प्रदेश में, किसी भी एरिया में उस प्रजाति का, उस स्पीसीज का एक भी एनिमल हो या प्लांट ये मौजूद नहीं है, उसे एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये हुई बात लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी कि एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में क्या होता है कि व्हाइल इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडेड थ्रू स्पेशिएशन इनटू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ अ स्पीसीज देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस। इस लाइन का मतलब यहाँ जानेंगे दोस्तों कि ये स्पेशिएशन की बात की है। स्पेशिएशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है और स्पीसीज इवॉल्व होती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पर क्या कहा है कि व्हाइल इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीसीज बीइंग एडेड थ्रू द स्पीशिएशन इनटू अर्थ ट्रेजरी, पृथ्वी का जो खजाना है न्यू स्पीसीज ये एड नहीं होती, देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटेनिंग लॉसेस। तो स्पीसीज का बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि द बायोलॉजिकल वेल्थ, जो भी बायोलॉजिकल इस धरती पर वेल्थ है, संपत्ति है ऑफ आवर प्लैनेट यानी कि धरती, हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली। तो बायोलॉजिकल वेल्थ, जैविक संपत्ति, ये रैपिडली डिक्लाइन हो रही है एंड द एक्यूजिंग फिंगर्स इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि ये उसके गुनहगार जो है तो ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी कि ह्यूमन के जो भी एक्यूजिंग फिंगर है, अपराधी फिंगर है, तो ये डिक्लाइन कर रहे हैं बायोलॉजिकल वेल्थ धरती पर की। नेक्स्ट देखेंगे कि द कॉलोनाइजेशन ऑफ अ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड। यहाँ पर बात की है कि या इस ट्रॉपिकल आइसलैंड, यहाँ पर देखिए कि ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है अर्थ की मैप में, इस एरिया में आते हैं हवाई, फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री। तो इस कंट्री को कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड कहा करते हैं। और इस आइसलैंड पर ह्यूमन ने, देखिए द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड बाय ह्यूमन, ह्यूमन की जो कॉलोनी बनी इस आइसलैंड पर, दैट इज सेड टू हैव लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। उस इलाके के, जो इलाका ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पहले कहा, उस इलाके में नेटिव जो बर्ड्स थे, नियर अबाउट 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गई है ह्यूमन का कॉलोनाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि द IUCN रेड लिस्ट, मतलब ये IUCN रेड लिस्ट आप जानते हैं कि 2004 में उनके डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि स्पीशीज के बारे में द एक्सटिंक्शन यानी कि टर्मिनेशन। IUCN ये जो रेड लिस्ट बनाई थी, तो उन्होंने क्या कहा उनके डॉक्यूमेंट में, 784 स्पीशीज इंक्लूडिंग। इस 784 स्पीशीज में कौन से स्पीशीज इंक्लूड हो रहे हैं टोटल में, 338 वर्टिब्रेट्स के स्पीशीज, 359 इनवर्टिब्रेट्स के स्पीशीज और 87 प्लांट के स्पीशीज बीते 500 साल से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। यही बात रेड लिस्ट ने, IUCN की रेड लिस्ट ने कहा की है।
दोस्तों, रेड लिस्ट में केवल एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम होते हैं और ये इनका स्टडी है, डॉक्यूमेंट्स है रेड लिस्ट का। यहाँ पर ये वही बात IUCN के रेड लिस्ट की। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि सम एग्जांपल रिसेंट एक्सटेंशन। हालांकि अभी क्या रिसेंट एक्सटेंशन क्या कर रहा है ये स्पीशीज के बारे में, कौन सी स्पीशीज इनमें इंक्लूड है इस पिक्चर में देखेंगे दोस्तों कि डोडो ये मॉरिशियस कंट्री में पाया जाता था, ये एक्सटिंक्ट हुआ है। इनकी एक ही प्रजाति, एक ही बर्ड ये अभी धरती पर नहीं है उस इलाके में मॉरिशस में। दूसरा है क्वागा, ये अफ्रीका में पाया जाता था, ये देखिए क्वागा झेब्रा था, ये भी एक्सटिंक्ट हुआ है। और तीसरा थैलेसिन, ये तस्मानियन वुल्फ कहा करते थे उसे, तो ऑस्ट्रेलिया में थैलेसिन था, तो ये थैलेसिन भी तस्मानियन वुल्फ भी एक्सटिंक्ट हुआ है। अगेन क्या लिखा है कि स्टीलर काउ की बात करते हैं, ये भी एक्सटिंक्ट हुई थी, रशिया से बिलोंग करती थी ये स्टीलर काउ। यहाँ पर देखिए ये स्टीलर काउ, सी काउ का पिक्चर। और थ्री सब स्पीसीज, कौन सी किसकी, टाइगर की तीन सब स्पीसीज थी, तो ये भी एक्सटिंक्ट हुई है। बाली, ये बाली बेटों पर पाया जाता था ये टाइगर। दूसरा है जवान, ये देखिए यहाँ पर जवान का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक्सटिंक्ट हुआ है। और तीसरा कैस्पियन टाइगर, ये भी कैस्पियन, ये टाइगर की तीनों स्पीशीज अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो ये एक्सटिंक्ट हुई है दोस्तों। द लास्ट 20 इयर्स, अभी की रिसेंट की बात की है, गए बीते 20 साल के दौरान अलोन हैव विटनेस्ड द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीशीज। तो टोटल प्लांट और एनिमल की टोटल 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है। साथियों, यहाँ पर बात करते हैं क्या लिखा है, केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शोज दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम, सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि कई ऐसे टैक्सा है कि एक्सटिंक्शन हो रहा है, ये रैंडम नहीं हो रहा, कई ऐसे ग्रुप कौन से, एम्फीबियंस जैसे ये टैक्सा ग्रुप, ये मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने का खतरा इन्हें ज्यादा है। दोस्तों, एडिंग टू द ग्रीन सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शंस इज दैट फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग टू द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इन्हें भी कई ऐसे 15,500 ऐसी स्पीशीज है कि उन्हें भी विलुप्त होने का खतरा है। तेरे दोस्तों, प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीशीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीशीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि ये जो भी आपको ये स्टैटिस्टिकल कहा है कि 12% ये ऑल बर्ड्स की स्पीशीज, 23% मैमल्स की स्पीशीज, 32% एम्फीबियंस की स्पीशीज और 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज वर्ल्ड वाइड फेस ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि इन्हें भी ये ऐसे स्पीशीज को भी विलुप्त होने का खतरा ज्यादा है, यानी कि एक्सटिंक्शन होने के गंभीर परिदृश्य जोड़ने वाला फैक्ट है ये। वर्ल्ड वाइड में 15,500 से अधिक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होने के खतरे का सामना कर रही है ये लाइन यहाँ पर कह रही है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि आपको जिम्नोस्पर्म की बात की है, एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल दिए हैं, ये देखो साइकस, पाइनस और ये जिंगो, और तीसरा है सीड्रस, और ये जायंट टॉलेस्ट रेडवुड ट्री स्पीशीज, ऐसे ये जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज को विलुप्त होने का खतरा है और ये खतरे का सामना कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बात करते हैं कि क्या लिखा है कि from a study of the history of life देखिए from the study of history of life on earth through fossil record, history of life of earth fossil record से study करते हैं, we learn that इससे आपको पता चलता है कि large scale loss of species, ज्यादा species का loss, like कौन सी
वन वी आर करेक्टली करंटली विटनेसिंग हैव आल्सो हैपेंड अर्लियर। आप अभी तो आप विटनेस है स्पीशीज लॉस के, इसके पहले भी कई स्पीशीज लॉस हुआ था इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द सीन्स ऑन द सीन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के पहले भी स्पीशीज का लॉस होता था ये फॉसिल रिकॉर्ड से आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये फॉसिल रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन के आने से पहले भी, धरती पर आने से पहले भी कई स्पीशीज का एक्सटेंशन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड मोर देन 3 बिलियन ईयर्स, 3 अरब साल पहले, सीन्स द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वेयर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। यानी कि इस ह्यूमन आने से पहले 5 ऐसे एपिसोड थे इस स्पीशीज लॉस के। यही लाइन यहाँ पर कही है 3 बिलियन ईयर्स एगो की बात, 3 अरब सालों पहले 5 एक्सटेंशन स्पीशीज के हुए हैं। तो देखिए कि हाउ द सिक्स्थ एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन अ प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। तो पहले 5 एपिसोड मास एक्सटेंशन हुए थे स्पीशीज के ह्यूमन धरती पर आने से पहले, अभी 6th एक्सटेंशन चल रहा है। दोस्तों याद रखिए कि इसका डिफरेंस पहले वाला 5 एपिसोड का एक्सटेंशन और ये 6th एक्सटेंशन में, इनमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? तो डिफरेंस इज इन द रेट्स। तो रेट का डिफरेंस था और है, और करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट्स, अभी का स्पीशीज का एक्सटेंशन रेट, यहाँ पर देखिए कि ये 6 मास एक्सटेंशन स्पीशीज का हो रहा है, यहाँ पर ग्राफ से बताया है आपके लिए। तो करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट्स आर एस्टिमेटेड, ये इकोलॉजिस्ट के एस्टिमेशन के अनुसार रेट कितना है अभी 6 एक्सटेंशन का, 100 से लेकर 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। यानी कि ह्यूमन धरती पर आने से पहले का जो रेट था इससे ज़्यादा, 100 से लेकर 1000 टाइम फास्टर देन प्री ह्यूमन टाइम्स एंड आवर एक्टिविटीज। तो आवर एक्टिविटी यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटी की बात चल रही है, और ह्यूमन एक्टिविटी इज अ रिस्पॉन्सिबल फास्टर रेट ऑफ दिस 6th एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बात करते हैं आगे क्या लिखा है कि इकोलॉजिस्ट वार्न दैट, ये इकोलॉजिस्ट इन्होंने वार्निंग दी है कि ऐसा ही इफ द प्रेजेंट ट्रेंड, ऐसा ही रेट्स ये एक मास एक्सटेंशन का जब चलता है तो नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर। आगे आने वाले 100 साल में देखिए कि अभी जो भी धरती पर स्पीशीज है उनसे आधी स्पीशीज ये क्या होगी, एक्सटेंट होगी, ऐसा ये लाइन में कहा है। देखिए, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, यहाँ पर ये लाइन ने कहा है कि किसी भी रीजन में लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के परिणाम क्या होते हैं, यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। ये आपको थ्योरी में भी पूछेंगे, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी रीजन लीड्स टू क्या होते हैं। पहला होता है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का इम्पैक्ट क्या होता है कि डिक्लाइन इन अ प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट की प्रोडक्टिविटी या प्लांट का प्रोडक्शन ये कम होगा। और दूसरा है लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परटर्बेशंस सच एज अ ड्रॉट। ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ये परटर्बेशन यानी कि परेशानियाँ एनवायरमेंटल की होती है, ड्रॉट जैसी। और तीसरा है इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन अ सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेस। यहाँ पर लिखा है कि कई सर्टन इकोसिस्टम की जो भी प्रोसेस होती है इनमें वेरिएबिलिटी आती है, विविधता आती है, जैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी में कम होना, वाटर का यूज भी इनमें शामिल होता है, और पेस्ट एंड डिसीज साइकिल भी परेशानी में आती है। तो ये वही बात दोस्तों कि जनरल लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन अ रीजन में लीड्स टू क्या इम्पैक्ट होंगे उससे, इसकी यहाँ पर चर्चा की है। देख प्यारे साथियों, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।